आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की समस्याएं, फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा अधिकारी दे ध्यान, फरियादी ना हो परेशान। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन अवसर पर बोले सीएम योगी, कहा दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का केंद्र है तेजी से आगे बढ़ता भारत। ऑस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक गरीबों को आवाज दे चुका है नया भारत। G20 का नेतृत्व मिलना भारत के लिए है अभूतपूर्व उपलब्धि। प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा उत्तर प्रदेश है दुनिया के लिए सबसे शानदार आर्थिक गंतव्य। सीएम योगी की अगुवाई में देश ही नहीं दुनिया में सिरमौर बनेगा यूपी। समूह के निशुल्क फूड वैन को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों की सेवा व स्वावलंबन से जुड़े समाज। और 11 दिसंबर को क्षेत्रीय क्रीडांगन गोरखपुर में 5 दिवसीय माध्यमिक विद्यालय प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी द्वारा किया जाएगा शुभारंभ। 2000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे प्रतियोगिता में भाग। प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।